हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 3 राजकीय आय। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का पीडीएफ नोट्स आ चुका है। जिस किसी को भी चाहिए वो कांटेक्ट करके ले सकते हैं। साइड स्क्रीन पे आपको उसका फ्रंट पेज कवर पेज आपको दिखा दिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल पे ऐसे कुछ सैंपल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से जाकर के आप सैंपल पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस किसी को भी नोट्स चाहिए वो कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ठीक, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अध्याय 3 राजकीय आय। वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़, इस वीडियो का भी टारगेट आपको नीचे स्क्रीन पे दे दिया जा रहा है। सेम 7000 व्यूज़ और लाइक्स को बढ़ा करके इस बार 1000 लाइक्स कर रहे हैं। ठीक है, दोनों टारगेट को जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, जल्दी जल्दी वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, देखिए अध्याय 3 आपका है राजकीय आय। सबसे पहले नंबर पर है आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसे कहा जाता है आपका GSDP। ठीक, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP। देखिए, इसका मैं पहले आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। GDP क्या होता है? किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहा जाता है। देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, ठीक है, GSDP अगर हम राज्य की बात करें तो GSDP कहलाता है, अगर देश की बात करें तो GDP कहलाता है। तो GDP होता क्या है, सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, भौगोलिक सीमा यानी हमारी भारत का भौगोलिक सीमा, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जो हमने डेफिनेशन देखा उसमें एक वर्ड समझिएगा, उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा। क्या बात हो रही है? अंतिम वस्तु और सेवा की बात हो रही है। देखिए, अंतिम वस्तु को लेते हुए हम चलते हैं। अंतिम वस्तु का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये एक आपका मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल या कच्चा माल लगा होगा? एक तो प्लास्टिक, प्लास्टिक के अलावा इसके अंदर का जो रिफिलर जो ब्रश रहता है वो, इसके अलावा इसका लीड। ठीक है, प्लास्टिक को पिघला करके एक शेप दे करके उसके अंदर ब्रश या इसका रिफिलर डाल करके लीड लगा करके एक मार्कर बनाया गया। ठीक है, तो जो मार्कर जो बना ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहा जाता है। ठीक है, यानी अगर हम इसको भी GDP के अंतर्गत काउंट करेंगे तो इसके कच्चा माल रॉ मटेरियल को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे कि प्लास्टिक का कॉस्ट अलग करेंगे, ब्रश का कॉस्ट अलग करेंगे, लीड का कॉस्ट अलग करेंगे, ऐसा नहीं है। ये फाइनली ये कितने रुपये में अवेलेबल हो रहा है, कितने रुपये में ये बनकर तैयार हुआ है, उसे GDP के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन समझ गए। किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहा जाता है। ठीक, देखिए इसके अलावा एक चीज और, स्थिर भाव और प्रचलित भाव। ठीक, स्थिर भाव और प्रचलित भाव क्या होते हैं? स्थिर भाव और प्रचलित भाव या स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, ये होते क्या है समझिएगा। डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो स्थिर भाव है, स्थिर भाव के लिए आधार वर्ष माना जाता है 2011-12। ठीक है, स्थिर कीमतों के लिए या स्थिर भाव के लिए जो आधार वर्ष माना जाता है उसे माना जाता है आधार वर्ष 2011-12। ठीक, आधार वर्ष 2011-12। ठीक है, अब समझिएगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वित्तीय वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर किया जाए तो वो स्थिर भाव के अंतर्गत काउंट होंगे, या स्थिर कीमतों के अंतर्गत काउंट होंगे। समझिएगा, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर किए जाए तो उसे स्थिर कीमतों के अंतर्गत काउंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रचलित कीमत। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमत, वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमत मतलब वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21, ठीक, वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर किया जाए तो ये प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमत या प्रचलित भाव के अंतर्गत काउंट होते हैं। ठीक है, समझिएगा, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। मान लीजिए
जैसे हमने पिछले क्लास में या आपके लेक्चर नंबर वन जो आपका इकोनॉमिक सर्वे का आया था उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जीडीपी का। मान लीजिए आपके जेब में 300 रुपये है, तो जो आपके जेब में जो पैसा है वो 300 रुपये आपका जीडीपी है। ठीक, ये मार्कर की कीमत मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं आपका स्थिर भाव पर, जिसमें हम प्राइस कहाँ का कैलकुलेट करेंगे, आपका आधार वर्ष 2011-12 का। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2011-12 में आपका ये जो मार्कर है, ये मार्कर की कीमत थी आपकी 100 रुपये, मेरे पास जेब में है 300 रुपये। ठीक, मेरे जेब में है 300 रुपये, तो मैं उस 300 रुपये से ये 3 मार्कर खरीद सकता हूँ। कब की बात कर रहे हैं, आधार वर्ष 2011-12 स्थिर कीमतों की बात कर रहे हैं। अब यदि हम वर्तमान में आ जाएं, वर्तमान में यदि हम आते हैं यानी प्रचलित बाजार पे यदि हम आते हैं, तो आज के डेट में इस मार्कर की कीमत है आपकी 150 रुपये। आज भी मेरे जेब में आपका 300 रुपये है, मेरा जीडीपी आज भी 300 रुपये है, उस 300 रुपये में से मैं कितने मार्कर ले सकता हूँ, मैं मात्र आज के डेट में 2 मार्कर ले सकता हूँ। अब समझिएगा स्थिर भाव और प्रचलित भाव में डिफरेंस क्या चीज़ का है। जो मार्कर आपका स्थिर कीमतों पर आपका हमारे कुल जीडीपी का यानी 300 रुपये का हम 3 मार्कर ले रहे थे, वही वर्तमान बाजार की कीमतों पर हम 300 रुपये केवल 2 मार्कर ले पा रहे हैं। इसमें मेन डिफरेंस आ रहा है महंगाई का। तो समझिएगा स्थिर कीमतों पर या स्थिर भाव पर महंगाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्थिर कीमतों पर यदि हम गणना करते हैं तो उस पर महंगाई का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार जो स्पेशली अगर वो कोई भी अपने डाटा जारी करती है तो वो आपके स्थिर भाव पर करती है। क्यों? क्योंकि उस पर महंगाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मेन डिफरेंस है आपके स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना यदि हम आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर करें तो स्थिर कीमतों में काउंट होंगे, यदि वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर करें तो वो आपका प्रचलित भाव पर काउंट होंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ गए। अब देखिए समझना जीडीपी का आकार स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। देखिए स्थिर कीमतों पर हमारे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी या जीडीपी का आकार या सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आकार है आपका 243,476 करोड़ रुपए, 243,476 करोड़ रुपए हमारे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का आकार है। किस पर? स्थिर कीमतों पर। ठीक, स्थिर कीमतों पर। यदि वही हम प्रचलित कीमतों पर या प्रचलित भाव की यदि हम बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है 329,180 करोड़ रुपए, 329,180 करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार, यानी छत्तीसगढ़ के जेब में प्रचलित कीमतों पर 329,180 करोड़ रुपए मौजूद है। ठीक है, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। अब देखिए वृद्धि दर यानी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस साल के छत्तीसगढ़ के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। समझिएगा प्रश्न क्या पूछता है, छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास दर क्या रहा, छत्तीसगढ़ का विकास दर क्या रहा, छत्तीसगढ़ की वृद्धि दर क्या रही पूछा जाए, तो सभी में इसी को लगाइएगा। छत्तीसगढ़ विकास दर पूछे, छत्तीसगढ़ आर्थिक वृद्धि दर पूछे या छत्तीसगढ़ की वृद्धि दर पूछे, तो उसमें आपको यही लगाना है। ठीक है, देखिए समझिएगा स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी या सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर आपका वर्ष 2019-20 के लिए आपका वृद्धि दर रही 5.32%। स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ में जो आपका विकास दर रहा या जो आपका वृद्धि दर रही वो रही आपकी 5.32% स्थिर कीमतों पर। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में प्रचलित कीमतों पर विकास दर रही आपकी 8.26%। ठीक है, 8.26%, ये दोनों आंकड़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका प्रति व्यक्ति आय यानी छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति का आय कितना है सालाना। ठीक, एवरेज निकाला जाता है, इसमें अमीर गरीब सभी को एक साथ काउंट किया जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, समझिएगा इसको समझने से पहले दो क्वेश्चन जो इंडियन इकोनॉमिक्स से पूछते हैं वो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि सुनने में एक ही तरीके के साउंड करते हैं लेकिन उसके ऑप्शन या उसके आंसर अलग अलग होते हैं। समझिएगा ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है मैंने आर्थिक स्थिति और यहाँ लिखा है मैंने आर्थिक समृद्धि।
आर्थिक स्थिति और आर्थिक समृद्धि। समझिएगा प्रश्न क्या पूछता है एग्जाम में, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त पैमाना होता है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त पैमाना होता है पूछा जाए तो उसमें आपको लेना है जीएसडीपी या सकल राज्य घरेलू उत्पाद। प्रश्न पूछेगा किसी भी देश की आपकी आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त पैमाना होता है सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऐसे टाइप का आपको चार ऑप्शन देगा। तो कौन सा लगाना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद, ठीक। देखिए और दूसरा एक टर्म यूज होता है आर्थिक समृद्धि, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना होता है तो वो होता है आपका प्रति व्यक्ति आय। समझिएगा दोनों के सामने आर्थिक है लेकिन एक आर्थिक स्थिति बोल रहा है और एक आर्थिक समृद्धि बोल रहा है। आर्थिक स्थिति पूछे तो आपको लगाना है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, आर्थिक समृद्धि पूछे तो आपको लगाना है पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। दोनों आए हुए प्रश्न है, एक आपका पीएससी में आया हुआ है, ये आपका व्यापम में आया हुआ है। दोनों सुनने में सेम लगते हैं लेकिन दोनों के आंसर अलग है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब ये प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, ठीक है, हम जितने भी आंकड़े देख रहे हैं ये 19-20 के लिए है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है आपका 83075 83075 स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय है। प्रचलित कीमतों पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय, प्रचलित कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना है, 98,281 यानी 98,281 रुपये छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। इस प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, तो पिछले वर्ष की तुलना में, अभी हम कौन सा बात कर रहे हैं 19-20 की बात कर रहे हैं, यानी 18-19 की कंपैरिजन में इस वर्ष 6.35% यानी 6.35% की वृद्धि दर्ज की गई। समझना, ये वाला प्रश्न ऐसा ही प्रश्न 2 साल पहले पीएससी उठाया था जिसमें पूछा था कि छत्तीसगढ़ का आपका स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितना है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से एक ये प्रचलित कीमत वाला ऑप्शन में मौजूद था। पूछा क्या था, स्थिर कीमत पर, ऑप्शन में दिया क्या था, प्रचलित कीमत वाला डाटा, ठीक, और 5वां ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम लोगों ने स्थिर भाव या स्थिर कीमतों वाले क्वेश्चन में ये वाले डाटा टिक करके आए थे और बहुतों के वो क्वेश्चन गलत हुए थे। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, स्थिर कीमत पूछ रहा है कि प्रचलित कीमत पूछ रहा है। एक्चुअली में जो न्यूज़ में या जो बजट आता है उसमें ये प्रचलित कीमत को अलग से हाईलाइट करता है, इसलिए सभी को ये डाटा याद रहते ये डाटा याद नहीं रहते। तो प्रश्न पूछ क्या रहा है उसके आधार पर आंसर आपको टिक करना है, ठीक है। तो स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, 83,075 रुपये, जबकि प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय है आपका 98,281 यानी 98,281 रुपये, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6.35% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक। नेक्स्ट देखिए, जीएसडीपी में क्षेत्रावार आपका प्रतिशत वृद्धि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, ठीक है। जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आपकी क्षेत्रावार प्रतिशत वृद्धि, समझिएगा जीडीपी के 3 घटक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में स्पेशली आपका कृषि क्षेत्र आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आपका उद्योग आता है, जबकि तृतीयक क्षेत्र में आपके सेवा क्षेत्र आते हैं, ठीक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर आपका कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। तो हम क्या देख रहे हैं, क्षेत्रावार प्रतिशत वृद्धि दर। अब समझिएगा जो आपका कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, ये और भी आपके सब पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी और छोटे छोटे प्रक्षेत्रों में डिवाइड होते हैं। समझिएगा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपके फसलें आता है, वानिकी आता है, मत्स्य उद्योग आता है, पशुपालन आता है। वैसे ही उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आपका निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, विद्युत आता है, जल आपूर्ति आता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपका भंडारण आता है, परिवहन
आता है, रेलवे आता है, आपका आवास गृह आता है, होटल आते हैं, व्यापार आते हैं, ये आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि पर्टिकुलर कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह है आपका स्थिर कीमतों पर और एक है आपके प्रचलित कीमतों पर। पहले हम बात करेंगे आपका कृषि क्षेत्र, सॉरी पहले हम क्षेत्रों पे बात करेंगे। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, लेक्चर नंबर वन में भी हम इसको एक बार देख चुके हैं। ठीक है, स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में आपका 3.31% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उद्योग क्षेत्र में 4.94% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सेवा क्षेत्र में 6.62% की आपकी वृद्धि दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र में 3.31% की वृद्धि, उद्योग क्षेत्र में 4.94% की वृद्धि, जबकि सेवा क्षेत्र में 6.62 यानी 6.62% की वृद्धि स्थिर कीमतों पर दर्ज की गई पिछले वर्ष की तुलना में या पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया ये जो आपका कृषि क्षेत्र है वो आपके और भी कई प्रक्षेत्रों में बटा होता है, जैसे पशुपालन, वानिकी, मत्स्य उद्योग। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रक्षेत्रों में बटा होता है या छोटे छोटे प्रक्षेत्रों को मिलाकर के आपका कृषि या कृषि संबंध क्षेत्र बनते हैं। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपका कौन सा ऐसा प्रक्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, तो आपका पशुपालन, पशुपालन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र के पशुपालन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई लगभग 16% के आसपास, 16% के आसपास। ठीक है, एक और चीज़ बता रहा हूँ जो कि मैंने जो आपको इकोनॉमिक सर्वे का जो नोट्स प्रोवाइड कराया है या जिन भी लोगों ने अभी तक ले लिया है उन लोग ध्यान दीजिएगा, इस पशुपालन के साइड में ब्रैकेट में लिखिएगा न्यूनतम वृद्धि। ठीक है, न्यूनतम वृद्धि किस क्षेत्र में दर्ज की गई या किस प्रक्षेत्र में दर्ज की गई, तो वो है आपका वानिकी। ठीक है, सर्वाधिक पूछे तो पशुपालन, न्यूनतम पूछे तो वानिकी, उसको अलग से ऐड करना है। ठीक है, वैसे ही उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आपका निर्माण, ठीक, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति, ये सब शामिल है। तो ये जो आपके इसके और जो घटक है उसमें निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि तृतीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अन्य सेवाएँ, स्थावर संपदाएँ, सॉरी संचार एवं प्रसारण, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। आपको केवल कृषि और उद्योग क्षेत्र का पहले याद रखना है। कृषि क्षेत्र वाला व्यापक में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र में या किस कृषि संबंधित क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, तो वो था आपका पशुपालन। और ये भी ध्यान देना है कि स्थिर कीमत पूछ रहा है कि प्रचलित कीमत पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रचलित कीमतों के आधार पर सबसे पहले क्षेत्र देखिए, कृषि उद्योग सेवा, प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र में 12.10% 12.10% की वृद्धि दर्ज की गई, उद्योग क्षेत्र में 5.51% 5.51% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सेवा क्षेत्र में 9.35% यानी 9.35% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक, इसको हम लेक्चर वन में भी देख चुके हैं। वैसे ही कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि किस प्रक्षेत्र में दर्ज की गई, तो वो है आपका पशुपालन, लगभग 20% के आसपास है। ठीक, 20.35%। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत सेम निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, किसमें, प्रचलित कीमतों पर। ये भी आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत किसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई पूछा जाए, निर्माण आएगा। ठीक है, पिछले साल विनिर्माण था, इस साल निर्माण है। ठीक, तो ये सारे डाटा आपको याद करने हैं। देखिए, जो चीज़ समझाने का है वो समझा रहा हूँ, जैसे जीडीपी क्या है, स्थिर कीमत क्या है, प्रचलित कीमत क्या है, टाइम निकाल करके उसको समझाऊंगा, लेकिन आपको ये आंकड़े में बैठे बैठे रटवा नहीं सकता। ठीक है, आंकड़े रटने आप ये काम है, कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, जीएसडीपी में क्षेत्रावार प्रतिशत भागीदारी, जीएसडीपी में क्षेत्रावार प्रतिशत भागीदारी, यानी जो छत्तीसगढ़ के जो कुल जीडीपी का जो आकार है उस जीडीपी के आकार में पर्टिकुलर प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में आपकी उसकी कितनी भागीदारी रही। ठीक, कितनी हिस्सेदारी आपकी कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र की है, समझिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जीएसडीपी में क्षेत्रावार प्रतिशत भागीदारी वित्तीय वर्ष 2019-20 स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार कितना है, 2,43,476 करोड़ रुपए। ठीक है, 2,43,476
476 करोड़ रुपए, ये छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है। तो इस 243,476 करोड़ रुपए में से कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी है या इन क्षेत्रों का हिस्सा कितना है, ये एक पाई डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। समझिएगा, छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में, छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में आपका कृषि क्षेत्र की जो भागीदारी है वो है आपका 16.81%, 16.81%, ठीक। जबकि उद्योग क्षेत्र की भागीदारी है आपकी 46.19%। छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी है आपकी 46.19%, 46.19%। जबकि सेवा क्षेत्र की भागीदारी है आपकी 37%, 37% स्थिर कीमतों पर। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो कुल जीडीपी है उस कुल जीडीपी में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, ये प्रश्न पूछता है। आप यदि आंकड़े यदि आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो एक चीज़ ध्यान देना, प्रचलित और स्थिर कीमतों में सबसे पहले आपको जो आंकड़े याद रखने हैं वो आपको स्थिर कीमतों के आंकड़े आपको पहले याद करने हैं, क्योंकि प्रश्न अधिकतर स्थिर कीमतों से ही पूछता है और गवर्नमेंट भी मेनली आपके स्थिर कीमतों पर ही फोकस करती है, ठीक है। देखिए, तो छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में सेवा क्षेत्र की भागीदारी है आपका 37%, 37%, ठीक। तो जैसे कि मैंने बताया, कृषि, उद्योग, सेवा, ये सभी की सभी और आगे छोटे छोटे प्रक्षेत्रों में बटे हुए हैं। तो कृषि के अंतर्गत आपका फसलें है, पशुपालन है, मत्स्य उद्योग है, वानिकी है। तो समझिएगा, इस कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में 243,476 करोड़ रुपए में कृषि क्षेत्र की भागीदारी आपकी 16.81% है, लेकिन इसमें भी सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है, तो वो है आपकी फसलों की, ठीक। फसलों की भागीदारी है आपका 10.19%, ठीक। फसलों की भागीदारी कितनी है, 10.19%, ठीक। वैसे ही उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, जलापूर्ति, विद्युत, तो देखिए उद्योग क्षेत्र की भागीदारी है 46.19%, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी है आपकी 15.34%। यानी उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक भागीदारी या सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है पूछा जाए, तो वो है आपका विनिर्माण क्षेत्र का, ठीक है। वैसे ही सेवा क्षेत्र के आज जो है जीडीपी के कुल आकार में सेवा क्षेत्र की भागीदारी है आपकी 37%, जिसमें मैक्सिमम अगर हम इसके प्रक्षेत्र या इसके सब डिवीजन की बात करें तो स्थावर संपदा एवं सेवाएं, जिसका जो भागीदारी है 8.99% है, ठीक है। तो ये सारे आंकड़े आपको याद रखने, स्थावर संपदा एवं सेवाओं के अंतर्गत आवास, गृह, होटल, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो देखिए, कृषि, उद्योग, सेवा, एक प्रश्न और पूछेगा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में, वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक रही, वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक रही, कृषि, उद्योग, सेवा, कौन सा परसेंटेज ज़्यादा लग रहा है आपको, 16, 46, 37, 46% उद्योग। यानी उद्योग क्षेत्र की भागीदारी छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक है, ठीक है। देखिए, अब समझना, यहाँ पे मैंने साइड में एक और चीज लिखा है, खनन एवं उत्खनन। खनन एवं उत्खनन, इससे दो प्रश्न पूछे जाते हैं और हर बार पूछता है, समझिएगा। खनन एवं उत्खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, खनन एवं उत्खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो ध्यान देना, जो खनन और उत्खनन है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में इसे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत काउंट किया जाता है, लेकिन ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। व्यापम, पीएससी बार बार आपका ये प्रश्न उठाते हैं, खनन एवं उत्खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे सारे क्षेत्र आते हैं जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलते हैं, जैसे कृषि हो गए, फसल हो गए, पशुपालन, मछली, ये हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलते हैं। वैसे ही खनन उत्खनन भी आपका जो आपके खनिज है उसे, वे भी हमें प्रकृति से मिलते हैं, भले हम उन्हें उसका उत्खनन करते हैं, लेकिन वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो खनन एवं उत्खनन भी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक। प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है,
निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत जलापूर्ति, खनन उत्खनन। तो आंसर लेना है खनन उत्खनन। क्यों? क्योंकि वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझना, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, कृषि प्लस खनन उत्खनन, ये सारे आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, देखिए तो खनन उत्खनन में सर्वाधिक, सॉरी, खनन उत्खनन का आपका भागीदारी प्रतिशत कितना है जीडीपी में? तो 11.72%, 11.72%। ठीक है, समझिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं खनन उत्खनन आता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपका उद्योग, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र दो पार्ट में रहता है, एक कृषि संबंधित सेवाएं और दूसरा रहता है आपका ये खनन उत्खनन। ठीक है, तो ये खनन उत्खनन के परसेंटेज को आपको अलग से याद रखना है, खनन उत्खनन का भागीदारी प्रतिशत भी पूछता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर कीमतों पर खनन उत्खनन क्षेत्र की जीडीपी में भागीदारी कितनी रही? तो 11.72%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर, तो प्रचलित कीमतों पर जीडीपी का आकार कितना है? 329,180, यानी 329,180 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के आपके जीडीपी का आकार है प्रचलित कीमतों पर या प्रचलित भाव पर। ठीक, तो देखिए इस 329,180 करोड़ रुपए में से कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो इस 329,180 करोड़ रुपए में से कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा है, वो परसेंटेज है, वो है आपका 27.07%। यानी छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी प्रचलित कीमत पर है 27.07%। नेक्स्ट है उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र की छत्तीसगढ़ की कुल जीडीपी में भागीदारी प्रचलित कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए है आपका 41.08%। ठीक, 41.08%, जबकि सेवा क्षेत्र की भागीदारी है 36.85%। ठीक, 36.85%, छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में 36.85% सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमत, प्रचलित कीमत क्या है, कैसा है, स्थिर कीमत के आंकड़े कौन से हैं, प्रचलित कीमतों के आंकड़े कौन से हैं, उसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए इस कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक, जैसे कृषि के अंतर्गत फसलें, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सारी चीज़ें शामिल है, तो इस कृषि संबंधित सेवाओं में सर्वाधिक हिस्सेदारी है आपका 12.73% किसकी? फसलों की। ठीक, फसलों, अनाज, दलहन, तिलहन, ये सारी फसलें इसके अंतर्गत काउंट होती है। ठीक, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, समझना, ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विनिर्माण। यहाँ क्या लिखा हुआ है? निर्माण। ठीक, निर्माण, विनिर्माण दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर स्थिर कीमतों पर विनिर्माण दिया हुआ है, यहाँ पर आपका निर्माण दिया हुआ है। ठीक है, समझना, निर्माण की भागीदारी कितनी है? 13.10%, 13.10%। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, विद्युत एवं जल आपूर्ति, ये सारी चीजें शामिल है। स्थिर कीमतों पर विनिर्माण, प्रचलित कीमतों पर निर्माण। ठीक, दोनों अलग है, दोनों को ध्यान देना। स्थिर कीमत पूछ रहा है, प्रचलित कीमत पूछ रहा है। स्थिर कीमत में क्या है, प्रचलित कीमत पे क्या है? स्थिर कीमत पर है विनिर्माण, प्रचलित कीमत पर है आपका निर्माण। जबकि सेवा क्षेत्र की जो भागीदारी है छत्तीसगढ़ कुल जीडीपी में, वो है 36.85%, जिसमें मैक्सिमम आपका जो परसेंटेज कवर या आपका भागीदारी पूछा जाए, वो है आपका स्थावर संपदाएं, जिसका परसेंटेज है 10.09%, 10.09%। ठीक, वैसे ही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि संबंधित सेवाएं प्लस खनन उत्खनन शामिल है, तो खनन उत्खनन की भागीदारी है आपका प्रचलित कीमतों पर 8.20%। ठीक, 8.20%, 8.20%। ठीक, तो ये जितने भी आंकड़े हैं, सारे के सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट के ऑफिशियल उठा के देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ें दी गई है। देखिए, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, केवल हमें वही चीज़ें पढ़नी है। ठीक, इस बार का जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे का जो नोट्स निकाला है, उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ऐड की है, जो कि आपका
गवर्नमेंट के ऑफिशियली इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है। जैसे गवर्नमेंट की कुछ नई स्कीम्स आई है भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद, कांग्रेस की जब नई सरकार आई तो उनके द्वारा जितनी भी नई योजनाएं प्रारंभ की गई तथा हमारे छत्तीसगढ़ में जितनी पुरानी योजनाएं चल रही है वो सारे के सारे इंक्लूड है आपके इस इकोनॉमिक सर्वे के PDF नोट्स में। तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। PDF नोट्स आया है इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। वो नोट्स आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे नहीं। जो लोग एक दो साल से तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन जो नए हैं बिना वीडियो को देखे उस नोट्स को पढ़ना आपके लिए यूजलेस है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो के टारगेट को पूरा कीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।